नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सादावाद केसरी। मैं हूँ सोनू चौधरी। और प्यारे किसान भाइयों, इस समय हम मौजूद हैं बलदेव के कोल्ड स्टोरेज में, जहाँ से ये आलू जो है ऊना के लिए लोड हो रहा है। ये एसी गाड़ी है ताकि इसमें आलू जो है ख़राब ना हो। आप खुद मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो कंटेनर है वो एसी कवर्ड है और इसमें पूरी तरीके से गैस पूरी तरीके से चलती रहती है ताकि ये आलू जो है वहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से सुरक्षित तरीके से पहुँचे। और आप करते हैं वीडियो स्टार्ट और पूछते हैं व्यापारियों से कहाँ कितने रेट में जो आलू बुक रहा है और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आलू किसानों के लिए क्या इनकी स्ट्रेटजी है, यानी कि आपको ये क्या कितना लाभ दे सकते हैं अगर ये अदर स्टेट ले जा रहे हैं तो। क्योंकि व्यापारी आप लोगों से जुड़े हुए होते हैं, किसानों से जुड़े हुए होते हैं और किसानों के लिए हम लगातार रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और हम आपको एक बात और बता रहे हैं, क्योंकि जिस कोल्ड स्टोर में हम खड़े हैं वो डिस्ट्रिक्ट बलदेव मथुरा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आलू के जो उच्चतम रेट हैं उनमें भी हाथरस डिस्ट्रिक्ट की तरह 25 से 30 रुपए का उछाल आ चुका है। और 25 से 30 रुपए का उछाल में जो किसानों के लिए जो बिक्री का समय है वो काफ़ी उचित है अगर वो बेच सकें, क्योंकि आलू जो है किसानों का है। अगर मालिक हैं, फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है बलदेव के कोल्ड स्टोर में। आलू हमारे प्यारे किसान भाइयों, और जैसा कि आप तो देख रहे हैं ये आलू के व्यापारी हैं, इनसे ही बात करते हैं क्या रेट रहे हैं। किसान भाइयों मेरे साथ मौजूद हैं व्यापारी, और क्योंकि व्यापारी ही आलू का खरीद फरोख्त करते हैं और आपको उचित मूल्य देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया 25 से 30 रुपए का आलू के कट्टे में प्रति पैकेट के में उछाल आया है और ये उछाल जो है देखने को मिला है। अब पूछते हैं व्यापारी से क्या कहाँ से आए हैं, क्या रेट का रहा है आलू और ये कहाँ ले जा रहे हैं। मैं बच्चू गौतम आलू व्यापारी हूं और ये बलदेव कोल्ड स्टोर से आलू मैंने लिया है। दो मोटर मेरी लोड होके निकल गई हैं, दो अभी प्रेजेंट में खड़ी हुई हैं। 30-40-50 रुपए का उछाल है आलू में, 550 से 600 रुपए के सौदे हो रहे हैं। 600 के सौदे हो रहे हैं। हाँ, 600 रुपये का लिया ये मैंने और ये मेरी गाड़ी लोड हो रही है मौसी मंडी के लिए। तो ये बताइए कि ये आपका 601 रुपये में सौदा हुआ है और ये आपको एयर कंडीशनर गाड़ी के लिए ये जिससे आलू ख़राब नहीं होगा, सूख नहीं जाएगी, समय से ये आलू मंडी पहुंचेगा, ये उचित रेट का आलू है, इसलिए एसी गाड़ी में ये आलू लोड होके जा रहा है। कितने खट्टे ले जा रहे हैं आप? इसमें खट्टे जा रहे हैं 350 और गाड़ियों में 450 गाड़ी खट्टे की लोड हुई है। अभी एक 500 खट्टे की गाड़ी प्रेजेंट में खड़ी हुई है और एक 250 खट्टे की लोड हुई है। अगर बात करें यह क्या कहते हैं आपके व्यापारियों के उसमें, तो आप ये बताइए यहाँ से आलू का भाव आप यहाँ से तय करते हैं मंडी में? हम यहाँ से सामने वाली पार्टी को आलू तय करके भेज रहे हैं। अब आगे वो क्या रेट दे रहे हैं वो एक अलग है, हमको तो 10-10 रुपये का मार्जिन मिलता है। 10 रुपये का मार्जिन मिलता है, यानी कि अगर ऊना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के आलू की डिमांड बढ़ी है। हाँ, बढ़ी है, बढ़ी है। क्या ये तूफान का असर है? ये तूफान का और बरसात का असर हुआ है। वहाँ की फसल क्या हुआ है? ये फसल में वाकई में नुकसान हुआ है, ज़्यादा हुआ है। हाँ, ज़्यादा नुकसान है और किसानों के लिए खुशखबरी की बात है, यानी कि अब 601 रुपये का 601 रुपये का सौदा लिया। एक किसान भाइयों, ये कितनी खुशखबरी आपके लिए, 601 रुपये का वो हुआ है। हम आपको बता रहे थे रेगुलर 25 से 30 रुपये का उछाल आया है और इस वक्त हम जनपद मथुरा के कोल्ड स्टोर में मौजूद हैं और बाकायदा हम साइकिल से आए हैं। और ये जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हमारे पास और कोई साधन नहीं है, अगर आपको हमारी वॉइस साफ नहीं आ रही हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारे पास इतना फाइनेंशियल बजट नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि हम आपके लिए इतना वो कर सकें कि जो 1500 रुपये का जो माइक आता है उसे हम खरीद सकें। हम आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो को लाइक तो कर दिया करें, प्लस में शेयर कर दिया करें। अभी व्यापारी हैं, इनसे पूछेंगे, किसान इनसे पूछेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि जो व्यापारियों को कितनी कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है कोल्ड स्टोर में, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मंडियाँ 3 जो सारे दिन खुलनी चाहिए वो मंडी अब 3-4 घंटे खुल रही हैं। इस वजह से अब व्यापारियों को सभीों को काफ़ी बड़ी उठानी पड़ रही है, क्योंकि समय से आलू नई मंडियों में बिक पा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई। अब ये सरकार से गुजारिश है कि इसको लॉकडाउन को ख़त्म करें, जब मंडी सारे दिन खुलेंगी तो रेट और भी बढ़ेंगे आलू के। तो
देखिए चारों तरफ से यही आवाज़ उठ रही है आपके प्रदेश सरकार को ये लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए ताकि आलू किसानों को आम जनता को राहत मिल सके, उनके जो आर्थिक स्थिति चौपट हो रखी है वो फिर दोबारा पुराने ढर्रे पे आ जाए और उन्हें कुछ सहूलियत मिले। अगर लॉकडाउन सरकार नहीं खोलती कोई बात नहीं, लेकिन मंडियों में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसे समय में बढ़ोतरी कर दे ताकि आलू किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ मिल सके। फिलहाल मेरे साथ किसान मौजूद हैं। किसान भाइयों, मेरे साथ किसान मौजूद हैं, बलदेव क्षेत्र के सबसे बड़े किसान हैं और इनसे ही पूछेंगे क्या कितने कट्टे बेचे, क्या रेट में बेचे। जैसा इन्होंने हमें बताया था कि ये 5,000 कट्टे थे इनके और 5,000 में थे 3,000 बेच दिए और बचे 2,000 का, ये क्या करेंगे? राजेंद्र पटलोनी, गांव पटलोनी, जिला मथुरा, तहसील दाऊजी, ऐसे महावन है। हाँ महावन, देखिए ये अभी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बताना पड़ रहा है ये उसके हैं तो बंदर से रहने वाले हैं। हाँ जी, तो आप ये बताइए क्या रेट का बिका है आपका आलू? आलू तो आपकी 605। हाइएस्ट रेट क्या रहे हैं बलदेव कोल्ड स्टोरेज में? 605। 10 रुपये कोल्ड स्टोर की तरफ से बढ़ जाएंगे तो 615 का हो गया। हाँ जी, तो आपने कितने कट्टे बेच दिए? 3,000 कट्टे बेच दिए। हाँ जी, क्या क्या रेट के बेचे यही तीनों रेट में? हाँ, 580, 600, 605, 605 में। आगे कितने कट्टे बचे हैं आपके? 2,000 कट्टों का क्या करेंगे आप? उन्हें तो मैं आपको मैं बेचूँगा, रेट आएगा लग रहा है आपको? पता नहीं 800 का कैसे लेने लगे? महंगा ही बेचूंगा, महंगा बेचोगे ना, ये कहिए ना। तो आपको लग रहा है कि 800 का कितना है? आपको दिख रहा है कि रेट बढ़ेंगे? एक हज़ार बिकेगा या बिक सकता है? हाँ जी, बिकेगा। तो आप आलू किसानों को क्या सलाह है, निकालेंगे ना निकालेंगे? आलू किसानों के लिए यही सलाह, थोड़ा बहुत निकालते रहें और अपनी मतलब थोड़े बहुत रोक लें। हाँ जी, थोड़े बहुत क्यों रोक लें? महंगाई लेने के लिए आपने अपने खर्चे के लिए, मतलब कोल्ड खर्चा के लिए, थोड़ा बहुत घर पर भी काम है। ये किसान है और हमने इनसे बारी बारी की से इनकी पूरी उधेड़ बुन करके निकाला कि ये क्या चाहते हैं, कितना कट्टा बेचते हैं। और ये किसान भाइयों आपके लिए राहत भरी खबर है, अगर आप मेरे चैनल पर मथुरा जिले से जुड़े हुए हैं तो मथुरा जिले में जो आलू का रेट है वो 610 रुपये तक पहुंच चुका है। 3 रेट हो रहे हैं यहाँ पर, क्वालिटी के अनुसार रेट हैं। अगर क्वालिटी का आपका आलू बढ़िया है तो क्वालिटी के अनुसार रेट है। 580 का भी रेट है मथुरा में और आपका 600 रुपये का भी है, 605 का भी है। और अगर 510 रुपये की बात आती है वो कोल्ड स्टोर मालिक किसानों को अपने उनका मुनाफा के तौर पर देते हैं तो वो 605 वाला 610 हो जाता है, 615 हो जाता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इतनी भाग दौड़ में गर्मी में परेशान हुए हैं तो लाइक तो जरूरी करें।